दुबई में जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी खींची और उसे सोशल मीडिया पर शेयर की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। इस तस्वीर में दोनों देशों के पीएम मुस्कुरा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने हैशटैग मेलोडी के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी शेयर की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना कल होगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम 14-14 टेबलों पर होगा। मतगणना को लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। सरकार ने फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने वाले 9 YouTube चैनलों का भंडाफोड़ किया है। इन 9 चैनलों में बजरंग एजुकेशन, आपके गुरुजी, बीजे न्यूज, सनसनी लाइव टीवी, जीवीटी न्यूज, डेली स्टडी, भारत एकता न्यूज, अब बोलेगा भारत और सरकारी योजना ऑफिशियल शामिल हैं। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने इन चैनलों द्वारा फैलाई गई झूठी सूचनाओं को 9 अलग अलग ट्विटर थ्रेड में कई तथ्यों की जांच की है। ये देश में गलत सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे। संबंधित YouTube चैनलों पर 83 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर्स थे। फर्जी खबर फैलाने वाले इन 9 YouTube चैनलों का सच पीआईबी ने सामने रखा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।